किसी जमात में शामिल हूँ, लेकिन हमने अपने आप को क्या किया, हमने बताया गंदी बात है। हमने अपने आप को बताया गंदी बात है, घर पे मत बैठो, घर पे बैठ के क्या करोगे, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर देने की चीज़ें हैं, समाज के लिए करने की चीज़ें, बाहर निकलो और खेती करो। मैं खेती कर रहा हूँ, अब आपकी बारी है। काम कोई नहीं करना चाहता है, लिख के रख लो, बड़े से बड़े लोगों ने कहा है काम कोई भी नहीं करना चाहता है, हमको काम करना होगा। अच्छी आदतें, शिव खेरा जी के लिए एक शानदार तालियां बजाइए। बड़ा ही ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है, बुरी आदतें आसानी से आती है, माइंड में नोट कर लीजिए ये चीज़ें, शिव खेरा जी की मिलियन, मतलब इसके लिए मतलब लाखों डॉलर की ये दो शब्द हैं, बुरी आदतें आसानी से आती है, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल है। लिख लो कुछ भी आदत, शराब पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, बुरी आदतें में क्या है? सब लोग जानते हो, आसानी से आएगी, लेट निकलना, चोरी करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये बड़ी आसानी से आएगी, लेकिन इसके साथ जीना बड़ा मुश्किल है। अगर हमने इनको दुख पहुंचा दिया तो ये हमसे अच्छे से बात करेंगे? नहीं करेंगे। ये बुरी आदतें हैं, अगर मैंने इनको हर्ट किया तो ये हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो मेरा जीना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? क्या हुआ, मुश्किल हुआ। अब याद रखिए, अच्छी आदत मुश्किल से आएगी, लेकिन उनके साथ जीना बड़ा आसान है या नहीं है? मजा आया? शिव खेरा जी की जीत आपकी, ठीक है, ज़रूर पढ़िए आप लोग और ख़रीद के पढ़िए, ठीक है। वो बुक आपने पढ़ ली, आपकी तकदीर चेंज हो जाएगी। उस बुक में अगर आपको 10% भी समझ में आ गया, 10% की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी तुरंत बदल जाएगी। जीत आपकी नाम है उसका, शिव खेड़ा का नाम है, 150 रुपये में मिलेंगे आपको, बेस्ट सेलर किताब है आज तक की। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी क्या है और किस तरीके से ज़िंदगी को जीनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, हे मूर्ख प्राणी, जितने लोग भी देख रहे हैं आप, इतना समझ लो भगवान ने, खुदा ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हम लोगों को दी है, ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करो, हार्ड मेहनत करो, जम के इंजॉय करो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पढ़िए, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर। देखो हमेशा याद रखो, हम लोग उस समय जब दुखी हो जाते हैं जब हम किसी को अपने से कंपेयर कर लेते हैं, बात समझ में आ रही है। और खुश रहना ये हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन वो खुशी कहाँ चली गई ये बताओ। मतलब आप 5,000 रुपया कमाओगे तो खुश नहीं रहोगे क्या? खुश रहो हमेशा, हर हालत में खुश रहो आप। कभी भी उदास होने का ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उदास हो सकते हो। ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको हल ना किया जा सके, है क्या कोई ऐसा मसला बताओ? ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसके लिए दुखी हुआ जा सके। हम करते क्या हैं, अपने दुख को चश्मा लगा के बड़ा कर देते हैं। नहीं अरे रे रे, अब तो मेरे दुनिया में सबसे बड़ा गम मेरे पास ही है। अरे रे रे, आज मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 30,000 कमा रहा है, आपकी खुशी वहीं चली गई। इसको मैं एक छोटी सी माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। परिस्थितियाँ हुई क्या, एक आदमी था सेठ, ठीक है, उसके घर में आग लग गई, लाखों रुपये का मकान था, अब वो छाती पीट के रोने लगा। ध्यान से समझिएगा इस कहानी को, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। एक सेठ के घर में आग लगी, वो छाती पीट के रोने लगा, ठीक है। सभी लोग तमाशा देख रहे थे, वो छाती पीट पीट के रो रहा था, मेरे लाखों की संपत्ति जल रही है, बेड है, फ्रिज है, एसी है, सब जल रहा है। 3 बेटे थे उसके, एक बेटे ने आके कहा, पिताजी आप रोइए मत, उदास मत होइए। पिताजी उस पर फायर हो गए, अबे मेरा घर जल रहा है, तुम बोल रहे हो रो मत। बोला पिताजी हमने अभी 3 दिन पहले ही भैया ने डील कर लिए इसको बेचने के लिए एक आदमी से। सच बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब वो आदमी वो भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्लियर है? दूसरा बेटा आया, पिताजी उसने डील कैंसिल कर दी, फिर वो छाती पीट के रोने लगा। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तीसरा बेटा आया, बोला पिताजी, वो आदमी बड़ा सज्जन आदमी था, उसने बोला जुबान की कीमत होती है, मैंने जो जुबान दे दी है मकान में खरीदूंगा, चाहे मकान में आग ले जाए तो चाहे तूफान हो जाए। फिर वो तमाशा बन के देखने लगा। समझ में आई नहीं बात आई? अब बात निकल के आती क्या है, अगर हम परिस्थितियों को डिटैच कर लेते हैं,
उस चीज़ से अलग कर लेते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, जैसे उस सेठ जी ने किया। क्या किया सेठ जी? परिस्थितियाँ तो सेम ही है, आग तो लगा हुआ है, ये सत्य है ना, आग लगा हुआ है। अब हुआ क्या, सेठ जी को लगा मेरा घर जल रहा है तो वो परेशान हो गया। थोड़ी देर में उसको पता चला कि ये घर मेरा नहीं था, ये तो बिक चुका है। परिस्थितियाँ सेम है लेकिन मानसिकता क्या है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा है। यही चीज़ चेंज हो रही थी। सेम चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों से डिटैच होना सीखो। हम बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हैं किसी चीज़ से, जिस वजह से हमें दुख होने लगता है। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत हार्ड ये सेशन है, इसको मैं आसान करूँगा, 5-6 सेशन बाद स्टार्ट करूँगा, उसको आसान कर दूँगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कहाँ हमें दुखी होना है और कहाँ हमें सुख होना है। और सुख रहने की कोई कीमत नहीं है, हंसने की कोई कीमत नहीं है, हर हाल में आप मुस्कुराते रहो, क्योंकि अगर आप मनहूस रहोगे तो मक्खियाँ बैठ के भिनभिनाने लगेंगी। सच है कि गलत है? अगर आप हंसते बोलते रहोगे, ताज़ा रहोगे, फ्रेश रहोगे, अपने आप को ढके रहोगे तो कोई मक्खियाँ आपसे दूर भागेंगी। तो हमेशा खुश रहना सीखो। भगवान ने आपको दुखी होने के लिए नहीं भेजा है, दुख को हम पालते हैं, भगवान हमें दुख नहीं देता। भगवान के पास इतना समय है क्या? खुदा के पास इतना समय है कि आपको दुख देने के लिए हुआ है? भाई उन्होंने एक घर ग्रह नहीं बनाया, एक गोला नहीं बनाया पृथ्वी, और वो गोले इस तरह से तैर रहे हैं हवा में, और उस पर पता नहीं कितनी जीवन है वहाँ पे। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उन्होंने बैठ के उन संगीता जी का हिसाब किताब करना है कि वो काम कर रही नहीं कर रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपका दुख और आपका सुख किसके हाथ में है? आपके हाथ में। जब आप सुखी रहोगे, जब आप हंसते रहोगे, अपनी परिस्थितियों से खुश रहोगे, ठीक है, मेरे पास आज क्या क्या बचा हुआ है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो। आज सेशन में थोड़ा सा बस यहीं शॉर्ट करूँगा, ख़त्म करूँगा। आज मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है? मेरे पास जो नहीं है, ध्यान से समझो, मेरे पास जो नहीं है, अगर हमने उस चीज़ की कामना की, देखो चीज़ वही है, मेरे पास जो नहीं है हमने उसकी कामना की तो हम हो गए दुखी। मेरे पास जो है मैंने भगवान का धन्यवाद किया, भगवान कम से कम आज मुझे 2 वक्त की रोटी आपने दी, हम हो गए खुश, हो गए हम। और खुश जब आप रहोगे तो अपने आप को समझ जाओगे कि हमको आगे क्या करना है। जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो हमारे पास है क्या इसको सही कर सकते हैं हम आने वाले भविष्य के लिए, ये चीज़ करो। संतोष, लालच, ये सारी चीज़ों में अंतर होता है। मैं सेशन में आपको क्लियर करता चला जाऊँगा कि हमें कब लालची होना है। देखो बड़ा डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में, बड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए लोग महात्मा के चक्कर में, साधु संन्यासियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान से समझना, चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन है। अब आपको लगेगा कि इस समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए। जब 2 समय आता है, जब आप कहीं से जाते हो तो हमेशा 2 रास्ते होते हैं, यस या नो, आपको दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को हल करने के लिए आपको लगातार देखना होगा ये सेशन, ठीक है? धीरे धीरे सेशन समझो। एक दिन में आप कुछ नहीं समझ पाओगे, एक दिन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपको वो पर्ची दूं, आप खा लो और सारी चीज़ें ज्ञान आप में आ गई, कभी नहीं। अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, लाइफ एक अनुभव है, इस अनुभव से आप सीखते जाओ। और हमेशा कुछ जो ठोस चीज़ें हैं, खुश रहो आप, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप जो भी आपकी कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर आप नाराज़ रहोगे, मनहूस रहोगे, गुस्सा रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे तो होगा क्या, गुस्से में, क्रोध में, नफरत में, मनहूसियत में, नाराज़गी में जो आपके पास बुद्धि है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, राइट या रॉन्ग। हंसी में, खुश मिजाजी में, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हंसते हंसते आप पार कर जाओगे। तो आज के बाद कसम क्या खाना है, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। टर्म एंड कंडीशन, शमशान में मत हंसना, ठीक है।